पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को गुरुवार के दिन रिलीज की गई। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत दर्शकों को खूब भा रही है। फिल्म में रणवीर की अदाकारी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। दीपिका फिल्म में रानी पद्मावती की भूमिका में है। मुखपृष्ठ मनोरंजन। पद्मावत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन। संजय लीला भंसाली की फिल्म ने पहले दिन की इतनी कमाई। पद्मावती मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के अभिनय की खूब तारीफें की जा रही हैं। जनसत्ता ऑनलाइन पब्लिश्ड ऑन January 26, 2018 8:04 AM। नेक्स्ट, पद्मावती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन। फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती का किरदार निभा रही हैं। संबंधित खबरें। पद्मावत, रणवीर सिंह और करणी सेना पर ऋषि कपूर ने किया ऐसा ट्वीट, लोग पूछने लगे आज कौन सा ब्रांड लिया। पाकिस्तान में पद्मावत को हरी झंडी, सेंसर बोर्ड ने बिना कैंची चलाए दी मंजूरी। पद्मावत टीवी डिबेट में करणी सेना के नेता बोले आप लोग मां बहनों की दलाली करते हैं, एंकर ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पद्मावती मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को गुरुवार के दिन रिलीज की गई। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत दर्शकों को खूब भा रही है। फिल्म में रणवीर की अदाकारी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। दीपिका फिल्म में रानी पद्मावती की भूमिका में है। दीपिका फिल्म में सिर से लेकर पांव तक ढकी नजर आ रही हैं, वहीं सिर्फ आंखों के जरिए दीपिका अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। शाहिद की एक्टिंग में दर्शकों ने राजपूतों वाला धैर्य और साहस महसूस किया। शाहिद ने फिल्म में काबिले तारीफ काम किया है। इस फिल्म के दर्शकों को पद्मावत का बेसब्री से इंतजार था। करणी सेना फिल्म का विरोध करती रही और धमकाती रही, लेकिन फिल्म रिलीज होते के साथ ही दर्शक फिल्म देखने थिएटर्स में जा पहुंचे। माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन में करीबन 20 करोड़ रुपए कमाने में सफल हो सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि सिर्फ प्रीव्यू पेड के जरिए ही दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म पब्लिक को तो खूब पसंद आ रही है, वहीं फिल्म क्रिटिक्स की पद्मावत को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी ने फिल्म को 1.5 रेटिंग दी है, किसी ने 3.5, तो किसी ने फिल्म को 4.5 रेटिंग दी है। कहा यह भी जा रहा है कि वीकेंड आते आते संजय लीला भंसाली की ये फिल्म 100 करोड़ रुपए जुटा सकती है, यानी अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म पद्मावत 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।